कितनी अच्छी है ना। ब्यूटीफुल। गरिमा एक काम करते हैं, इसे हम खरीद लेते हैं। ये मूर्ति देखो कैसे हिल रही है, देखो ना। ये क्या हो रहा है? दुकान वाले को बुला के पूछना चाहिए। रुको एक मिनट। ओ भाई साहब, भाई साहब सुनिए। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये मूर्ति क्यों हिल रही है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या है, वो पुरानी चीज है ना, तो पीछे चूहा या ऐसा कुछ होगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। आकाश नहीं है, आकाश नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारा बेटा आकाश है, आकाश है। गरिमा, आकाश की मौत के वक्त उसकी उम्र थी 17 साल की। तुम्हारा मतलब है कि 4 साल के बाद भी वो 17 साल का होगा? क्या आपका बेटा मर चुका है? क्या आप रोको? हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है वो। मम्मी, मैं वहां बहुत अकेला हो गया था, तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया। मम्मी, तुम चलो ना मेरे साथ। गरिमा, गरिमा, रुक जाओ गरिमा, आगे मत जाओ। अजी अब क्या हो रहा है? क्या हो भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? अचानक पता नहीं कहां से मेरी मरी हुई बच्ची वापस आ गई। उसने मेरी पत्नी से कहा कि मम्मी मेरे साथ चलो। उसने मेरी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, फिर वो दोनों गायब हो गए। गायब हो गए? आपकी बेटी की मौत कैसे हुई? वैसे ही जैसे इस शहर में हर 17 साल के बच्चे की मौत होती। 17 साल के बच्चे की? भाई साहब, अरे क्या हुआ इनको? अरे क्या हुआ? भाई साहब, क्या हो रहा है? अरे इनको अस्पताल लेना पड़ेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं स्ट्रेचर लेकर आता हूँ। इतनी भीड़ क्यों यहाँ पर? अरे सुनो। जी साहब। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये सब लोग और रो क्यों रहे हैं? मैं क्या बोलूँ साहब, ये लोग अपने ही बच्चों से डरे हुए हैं। अपने बच्चों से? हाँ, अपने 17 साल के बच्चों से। दरअसल साहब, इन सब के बच्चों की मौत 17 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। क्या? हाँ साहब, अब ये लोग कह रहे हैं कि वो सब के सब वापस आ गए। क्या रे दो, क्या उम्र है इनकी? 17 साल? 17 साल? भगवान के वास्ते आप वापस चले जाइए, आप लोग शहर में नहीं जा सकते, वापस जाइए आप। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप वापस जाइए, भाग जाइए। मगर हम लोग क्या? आप वापस जाइए, मोड़िए गाड़ी। सूरज, सूरज, ये सब क्या हो रहा है? आप उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ज्यादा सवाल मत करो, गाड़ी आगे बढ़ाओ।
लेकिन मैंने कहा ना गाड़ी आगे बढ़ाओ। सूरज चलो जल्दी करिए, जल्दी करिए। शादी के बाद पहली बार तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। तुम्हारे शहर के सारे लोग ऐसे ही हैं क्या? तुम्हारे ऐसे? वेरी फनी, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें तो बस मेरा मजाक उड़ाने का बहाना चाहिए। अलका, तुम्हारे घर में तो अंधेरा है, लगता है तुम्हारे मम्मी डैडी बाहर गए। ऐसे कैसे हो सकता है, उन्हें तो पता है कि हम दोनों आने वाले हैं। मैं आने वाला था तभी तो गायब हो गए वो लोग। तुम भी ना। कोई दरवाजा भी नहीं खुल रहा, क्या बात है? मम्मी डैडी कहाँ चले गए? मम्मी पापा, मम्मी मम्मी, हमें लेने के लिए आने वाली है। पापा, कौन आने वाली है? वो बिंदिया। बिंदिया, क्या आप क्या कह रही हैं? वो कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी है, मगर फिर भी वो आएगी। फिर भी आएगी? हाँ, वो सारे बच्चे जो 17 साल की उम्र में मर गए थे, वो सब वापस आ गए हैं अपने घर वालों को अपने साथ ले जाने। बिंदिया भी आएगी हमें हमें उसके साथ ले जाने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हल्का हल्का हमें बचा लो, बचा लो हमें। अलका, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम्हारे मॉम डैड को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये 17 साल के बच्चों के मरने का क्या चक्कर है? वो अपने पेरेंट्स को क्यों वापस ले जा रहे हैं? और ये बिंदिया कौन है? मत पूछो, कुछ मत पूछो। ये शहर बहुत ही डरावना है। इस शहर में हर बच्चा 17 साल की उम्र में मर जाता है। मर जाता है? कैसे? एक बुरी ताकत उनको मार डालती है। बुरी ताकत? कैसी बुरी ताकत? पता नहीं। कम ऑन लड़का, तुम इन सब बातों में बिलीव करती हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? सूरज, वो एक बुरी ताकत है। मैंने देखी है अपने आप मेरी छोटी बहन बिंदिया की मौत, वो भी 17 साल की उम्र में हुई थी। तुम्हारी बहन की मौत हुई है? 9 साल पहले की बात है। हम इस शहर में कुछ ही दिन हुए थे। मेरी छोटी बहन बिंदिया का 17वां जन्मदिन था। क्या हुआ?
आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम ये बेड के नीचे ये कंबल के अंदर क्या कर रही हो? दीदी आपको पता है ना, आज मैं 17 साल की होने वाली हूँ, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये भी कोई बात हुई? चलो बाहर आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं दीदी, इस शहर में जिसका भी 17वां जन्मदिन होता है वो बुरी ताकत आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है, मैं बाहर नहीं आऊंगी। बिंदिया ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग घूम गया यहाँ के लोगों का, कुछ भी बकते रहते हैं। चलो तुम बाहर आओ, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो चलो। मम्मी पापा तुम्हें कब से बुला रहे हैं, चलो केक काटते हैं। कुछ नहीं होगा बिंदिया। कुछ नहीं होगा। कितनी देर कर दी बेटी, आओ केक काटो। बिंदिया कुछ नहीं है वहां पर, क्या हो गया तुझे? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुझे, हम हैं ना तेरे साथ, चल केक काटते हैं। चलो दीदी। मेरी बिंदिया को कहाँ लेके गई? कहाँ लेके गई वो मेरी बिंदिया को?
बिंदिया 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 बेटी को तो हम खो चुके हैं, दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहते हैं। और अब इन लोगों का कहना है कि वो सब मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं, बिंदिया भी वापस आएगी हमें अपने साथ ले जाने के लिए। अलका, मरे हुए लोग जिंदा लोगों को वापस लेने कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बकवास है ये सब। अलका, तुम परेशान मत हो। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल हम घूमने जाएंगे, मम्मी डैडी को भी साथ में ले जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। देखिए, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, और मैं भी तो हूं आपके साथ। बिंदिया मर चुकी है, और वो क्या है? सूरज, सूरज, अलका, ये तो कोई लड़की है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। नहीं सूरज, सूरज के पास मत जाना, पता नहीं कौन है, क्या होगा उसके साथ। सूरज, 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 जिंदा हो। क्या हुआ अलका? बिंदिया है, ये हम सबको अपने साथ लेने के लिए वापस आई है। देखा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना बिंदिया वापस आएगी। देखो देखो, वो आ गई है। तुम हमें लेने आई हो ना, मारना चाहती हो ना हमें? मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों मारूंगी? मैं तो ये आपके साथ रहने आई हूँ, अपने घर में। नहीं, बिंदिया नहीं हो सकती, ये कोई और है। जब तुम हमें छोड़ के गई थी तब तुम 17 साल की थी, आज इतने साल के बाद भी तुम वैसे की वैसे ही, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास पता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मामी, आप लोग मुझे भगा क्यों रहे हैं? मैं तो यहाँ आपके लिए आई हूँ। दीदी, आप तो मुझे कितना चाहती थी, फिर आप मेरा चेहरा कैसे भूल गई? मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह याद है, और तुम्हारी वो मौत भी। अरे, तुम्हें मरते हुए देखा है। अलका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है। अलका ठीक कह रही है, आज अगर मेरी बिंदिया जिंदा होती तो मैं 26 साल की होती थी,
खराब 9 साल बाद भी ये सिर्फ 17 साल की कैसे? मेरा रोने को दिल कर रहा है, इतने साल बाद आई हूँ और आप लोग मेरी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। उस बुरी ताकत ने मेरी उम्र को बांध के रख दिया था, इसलिए मैं 17 साल की रह गई, बड़ी नहीं हो सकी। आप लोग इसकी बात क्यों नहीं मान रहे? बिंदिया तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मैं सूरज, अलका का पति। अच्छा, चलिए पापा। चलो बिंदिया। कितना चाहते थे, मुझे कितनी पसंद थी वो जगह। चलो जाते हैं। नहीं, घर चलो। नहीं, मुझे क्रूज पर जाना है। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर चलो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? और गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये गाड़ी यहीं आके क्यों रुक गई? मुझे तो गड़बड़ लग रही है, ये लड़की यहीं आने की जिद कर रही थी। बिंदिया, 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 दीदी चलो ना उस क्रूज पर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो ना दीदी। नहीं दीदी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। चलो बिंदिया, बिंदिया। मुझे लगता है ये वही बुरी आत्मा है जो बिंदिया बन के आई है। दीदी देखो ना कितना मजा आ रहा है। सच सच बोलो, तुम कौन हो? मैं बिंदिया। नहीं, तुम बिंदिया नहीं हो। बिंदिया को तो पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, अब लोग मुझसे डरते हैं। दीदी याद है हम पहले कितना घूमा करते थे? लेकिन मेरी मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया। पता है उस रात वो ताकत मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ? छोड़ो, जाने दो, घर चलते हैं। वैसे भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, जा रही हो तुम। नहीं, तुम घर नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मैं घर जाऊंगी, तुम चाहो या ना चाहो, मैं घर जाऊंगी। अब तो ले चलो, ले चलो। जीजू को कुछ मत बताना, किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं। सूरज,
मुझे बहुत डर लग रहा है, बिंदिया हम सबको मार डालेगी। अलका डरो मत, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है सूरज, वो लड़की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो बिंदिया नहीं कोई और। कोई और? कोई और क्या? अलका, अलका तुम कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं। सच बताओ, बात क्या है? कहा ना, कुछ नहीं। सूरज, अलका बेटी, चलो खाना खा लो। कैसे खा रही हो? अच्छी तरह खाओ। बिंदिया, इतने सालों से तुम कहाँ थे? वो औरत तुम्हें कहाँ ले गई थी? ये बिंदिया कहाँ जा रही है? ये लड़की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है। इतने साल कहाँ थी, क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं बता रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इस लड़की को फौरन यहाँ से निकाल दो। ये हमारी बिंदिया नहीं है। ये तो सो गई। चलो कल बात करते हैं। शहर छोड़ के भागना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। सूरज, ये लोग इस तरह क्यों पड़े हैं? क्या हो गया इन लोगों को? लगता है ये लोग मर चुके हैं। हे भगवान, किसने मारा होगा इनको? ये कैसे आ गए यहाँ? निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। इस तरह क्यों भाग रहे हो आप लोग मुझसे? मुझे आप लोगों की याद आई, इसलिए मैं आपके साथ रहने आई। मगर आप लोग भूल चुके हो मुझे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं आप लोगों के साथ रहने का? नहीं बिंदिया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है, और ये अधिकार मुझे उस बुरी ताकत ने दिया है जिसके हम सब गुलाम हैं। गुलाम? उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है।
क्यों, विश्वास नहीं होता? अगर मैं सच कह रही हूँ तो इस गाड़ी की हेडलाइट मेरा साथ देगी। किसी ने हम सब गुलामों को भेजा है अपने परिवार वालों के साथ मिलने के लिए। कुछ लोग अपने परिवार वालों को वापस लेके चले गए, लेकिन मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई थी, मगर आप लोग मुझसे ही दूर भाग रहे हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं 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 नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास मत आना, प्लीज हमें अपने साथ मत ले जाओ। साल पहले मर गई थी, उसके बाद अचानक आ गई और मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों को लेके चली गई है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। कोई नहीं बचा सकता, कोई तो रास्ता होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी करोगे तो? तो सुनो, ठीक 12 बजे वो पूरी ताकत 12 बजे हवेली के बाहर निकलती है। तुम हवेली में घुस जाना, वहां तुम्हें सब मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन तुम्हारे पास 3 मिनट होंगे, और 3 मिनट में तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। सिर्फ 3 मिनट? हाँ, 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर वो बुरी ताकत उस हवेली में आ जाएगी, और अगर तुम्हारे रहते वो वहां पर आ गई तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। कहाँ है वो जगह? वो जगह ढलकिया तालाब के पीछे। तो सिर्फ इनके सर है, मुझे इनकी बॉडी ढूंढनी होगी और उन्हें जोड़ना होगा। सर काट के उस बुरी ताकत ने सारे शरीर यहीं डाल दिए। अर्का मम्मी पापा के भी शरीर यहीं के होंगे। टॉर्च भी टूट गई। कितना कम वक्त रह गया, कितनी लाशें हैं यहाँ, और अंधेरे में कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है। 3 मिनट में कैसे ढूंढूंगा इस लोगों को? इसके सर तो उस कमरे में, मुझे जाके लाना होगा, और वो बुरी ताकत भी आती होगी। Thank you.
यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी पत्नी और मेरे परिवार वाले चाहिए। वो मेरे लोग हैं और यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों को वापस ले जाके रहूंगा। मैं उन्हें वापस ले जाके रहूंगा। मैं यहां से जाऊंगा, अपने परिवार वालों को भी साथ में लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूं तुम कैसे रोकते हो मुझे। सूरज, अलका, तुम ठीक हो? बेटा, तुमने हमें बचा लिया। मामा, हम सब बच गए। मम्मी, उस बुरी ताकत से हम सब बच गए। नहीं बेटा, बिंदिया कहाँ वापस है? अगर वो भी आती तो कितना अच्छा होता। मम्मी, हट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।